الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को ज़माने भर में उसे हाफिज़े कुरान कहते हैं। जामिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सालाना प्रोग्राम में मैं और आप जमा हैं। अभी कुछ देर कबल आप हजरात ने कुछ तलबा इकराम की तकारीर समाअत फरमाई है, जो यकीनन इस इदारे और मौलाना मुफ्ती ताहिर महमूद साहब के इदारे की एक बहुत बड़ी काविश और मेहनत है। आप हजरात समाअत फरमा रहे थे कि बिल्कुल कमसनी की उम्र में ये तलबा इकराम किस पुख्ता लहजे के साथ, रवानी के साथ, उलमा के इतने बड़े जम्मे गफीर में अवामुन्नास के सामने अपना इजहार माफिस ज़मीर मुख्तलिफ मौजूआत पर कर रहे थे। यकीनन ये इन हजरात की मेहनत, काविश और जद्दोजहद का नतीजा है, और आप हजरात ने इदारे के साथ जो तआवुन फरमाया है उस तआवुन के सही और बिल्कुल हक मसरफ पर खर्च होने का नतीजा है, जो इन तलबा की इस शक्ल में आप हजरात के सामने आ रहा है। अल्लाह तबारक व ताला इन इदारों को मजीद बरकतें और तरक्कियां अता फरमाएं और हर किस्म के शुरूर से हिफाजत फरमाएं। कुरान करीम अल्लाह तबारक व ताला की लारैब किताब है और बड़ी अजमत वाली किताब है। अल्लाह ताला ने इस कुरान को बड़ी अजीब अजीब ऐसी शानें अता फरमाई हैं, जो इससे पहले अल्लाह की दूसरी किताबों को वो शानें और वो मकाम हासिल नहीं हो सका। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी एक किताब के अंदर एक रिवायत नकल की है, फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने आसमानों से दुनिया के लोगों की हिदायत के लिए 4 बड़ी बड़ी किताबें उतारी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल 3 पैगंबरों पर अल्लाह ने 3 किताबें उतारी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर दी गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की गई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील किताब दी गई, और हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान करीम जैसी अजीम शान किताब अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो किताब दी जिसे तौरात कहा जाता है, जो मुख्तलिफ अलवाह और तख्तियों के ऊपर लिखी हुई थी और लिखी लिखाई किताब मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले की गई कि इस किताब को पढ़ो और पढ़ के अपनी उम्मत को सिखाओ और सुनाओ और उनको बताओ कि तुमने इस किताब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात की तख्तियों को लेके उनको पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में एक इल्तिजा और दरख्वास्त की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, परवरदिगार आलम, मैं अपनी इस किताब में इन तख्तियों पर एक कौम और एक उम्मत का तज़किरा पढ़ रहा हूँ,
जिसके मुतालिक आपने फरमाया हुमुल आखिरून अस्साबिकून, कि वो दुनिया के अंदर आने के एतबार से सबसे आखिरी कौम होगी, लेकिन जन्नत में जाने के एतबार से सबसे पहली उम्मत होगी। वो बड़ी अजीब शान वाली उम्मत और कौम होगी कि दुनिया में आने की तरतीब और, लेकिन जन्नत में जाने की तरतीब और। दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत पहले आई लेकिन जन्नत में बाद में जाएगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पहले आई लेकिन जन्नत में बाद में जाएगी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की उम्मत दुनिया में पहले आई लेकिन जन्नत में बाद में जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, मुख्तलिफ़ पैगम्बरों की कौमें और उनकी उम्मतें दुनिया में आने की तरतीब के एतबार से पहले लेकिन जन्नत में बाद में जाएंगी। दुनिया का उसूल और दस्तूर तो है अल अव्वल फल अव्वल, पहले आए और पहले पाए के उसूल की बुनियाद पर दुनिया के तमाम मामलात चला करते हैं, लेकिन आपने एक उम्मत और कौम को ऐसी शान और मकाम और अजमत और बुलंदी अता फरमाई है जिसके बारे में आप खुद कह रहे हैं हुमुल आखिरून अस्साबिकून, के दुनिया में सबसे आखिर में आएंगे लेकिन जन्नत में सबसे पहले चले जाएंगे। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि हाँ, मैंने एक ऐसी उम्मत और कौम बनाई है, आप कहना क्या चाहते हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरियाद करने लगे कि बारी ताला वो उम्मत वो कौम मुझे अता कर दीजिए, वो मेरी उम्मत और मेरी कौम बन जाए, मैं उसको लेके सबसे पहले जन्नत के दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया मूसा, इस चीज़ की आरजू और तमन्ना न कर, जिस रब ने ये फैसला किया है हुमुल अब आखिरून अस्साबिकून के वो आने के एतबार से सबसे आखिर में, जन्नत में जाने के एतबार से सबसे पहले होंगे, उसी रब ने ये फैसला भी कर लिया है कि वो आपकी उम्मत नहीं होगी, वो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों को पढ़ा, फिर अल्लाह के सामने दरख्वास्त की, फरमाया कि मैंने इसी तौरात के अंदर अपनी तख्तियों पर एक उम्मत का तस्करा पढ़ा है जिसकी शान और जिसका मकाम आपने इस अंदाज में बयान किया, अनाजीलुहुम फी सुदूरहिम, कि वो उम्मत और कौम ऐसी होगी कि उनके ऊपर उतरने वाली जो किताब, जो उनको हिदायत और रहनुमाई के लिए दी जाएगी, वो सारी की सारी किताब उनके सीनों में महफूज होगी, वो उसको याद करने वाले होंगे, उसके हाफिज और कारी होंगे, जुबानी उसकी तिलावत करने वाले होंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि हाँ, मैंने एक उम्मत ऐसी बनाई है जो अपने नबी पर उतरने वाली कुरान अपनी किताब को याद करने वाले होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब तो दी लेकिन वो तख्तियों की शक्ल में किताब थी, उस किताब के हाफिज नहीं थे, उसके कारी नहीं थे, उसको जुबानी पढ़ने वाले नहीं थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब दी लेकिन वो लिखी लिखाई किताब थी, उसके हाफिज और कारी दुनिया में मौजूद नहीं थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब दी इंजील की शक्ल में लेकिन उसके हाफिज और कारी दुनिया में मौजूद नहीं थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ रहे थे अनाजीलुहुम फी सुदूरहिम, किसी पूरी आसमानी किताब को अलिफ से लेकर वन्नास तक, शुरू से लेकर आखिर तक, इब्तदा से लेकर इंतहा तक पूरा का पूरा याद कर लेना, अपने सीने में महफूज कर लेना, ये बहुत बड़ी अजमत की बात है। कहा अल्लाह, आपने ऐसी उम्मत बनाई है, वो उम्मत मुझे अता कर दीजिए कि मेरी उम्मत अपनी किताब को याद करने वाली, हिफ्ज करने वाली, उसकी तिलावत करने वाली, उसकी किरात करने वाली बन जाए। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि मूसा, ये उम्मत भी आपको नहीं मिलेगी, ये उम्मत भी मैंने अपने हबीब को अता फरमा दी है। मेरे अजीज दोस्तों, ये कुरान की शान है, ये कुरान वालों का मकाम है, ये कुरान की अजमत है कि अल्लाह तबारक व ताला ने 1400 सालों से इस कुरान को लोगों के सीनों में महफूज कर दिया, बच्चों के सीनों में महफूज किया, जवानों के सीनों में महफूज किया, 90-90 साल के बूढ़े लोगों के सीनों में अल्लाह ने इसको महफूज कर दिया। इसीलिए तो अल्लाह ने खुद कहा वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को बड़ा आसान बनाया है, ये याद करने के एतबार से बड़ा आसान, समझने के एतबार से बड़ा आसान, और इसी तरह इस पर अमल करने के एतबार से बड़ा आसान,
इसका याद करना हमने इतना आसान बना दिया है कि एक 6 साल का छोटा सा बच्चा जो एक छोटा सा किताब का याद नहीं कर सकता, अल्लाह ने उसके सीने को इतना कुशादा बना दिया है, कुरान का ऐसा मखज़न और मादन बना दिया है, ऐसा मंबा और मरकज बना दिया है कि अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारा का सारा कुरान उसके सीने में महफूज हो जाता है। तो जिस तरह कुरान अजीम है, इसी तरह कुरान वाले भी अजीम हैं। कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, इसको सुनने वाले, इसको सुनाने वाले, इस कुरान के पढ़ने पढ़ाने का इंतजाम करने वाले और उनका तआवुन करने वाले, ये सारे के सारे लोग अजीम हैं, क्योंकि इनको अल्लाह ने कुरान की निस्बत अता फरमा दी है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमारे इस वक्त के शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, शेखुल अरब वल अजम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद मुकर्रम, जिनको मुफ्ती आजम पाकिस्तान कहा जाता था, उन्होंने कुरान करीम की तफसीर लिखी। उसके 14वें सिपारे के अंदर उन्होंने एक वाकया नकल किया कुरान करीम की अजमत के हवाले से। वो फरमाते हैं कि एक पहले ज़माने के अंदर बादशाह था, मुसलमानों का हुक्मरान और खलीफा था, जिसे खलीफा मामून कहा जाता है। वो सिर्फ हुक्मरान और बादशाह नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ वो बड़ा इलम दोस्त हुक्मरान था। उलमा की महफिलें करवाता था, उलमा की मजलिसें करवाता था, उनके दरमियान में खुद आके बैठता था और उसका ज़ौक बड़ा बुलंद था। वो दीनी बात के सुनने को पसंद करता था। आज के हुक्मरानों और उस दौर के हुक्मरानों में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था। आपने देखा कि हमारे ज़माने के हुक्मरान वो मौसीकी की महफिल को तो पसंद करेंगे, नाच गाने की महफिल को तो पसंद करेंगे, लेकिन इस किस्म की महफिल जहाँ दीन की बात हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात हो, उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। कितने ऐसे हुक्मरान इसी हमारे पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया की सरजमीन पर ऐसे भी गुजरे जिन्होंने मदारस को बिल्डोज करने की बातें की, कुरान को ख़त्म करने की बातें की, उलमा को समंदर कश्ती के अंदर बिठा के समंदर बुर्द करने की बातें की, लेकिन अल्लाह की शान जिस तरह कुरान 1400 साल से बाकी, कुरान के मदरसे भी बाकी, कुरान पढ़ने वाले भी बाकी, कुरान पढ़ाने वाले भी बाकी। पहले दौर के अंदर इसी पाकिस्तान की सरजमीन पर एक शख्स आया था जिसे सिकंदर मिर्जा कहा जाता था। उसने बरमला कहा था, बाकी तो सारे के सारे छुपाते हैं कि हमारे अजायम का पता ना चल जाए, हमारे लोग हमारी बातों का लोगों को पता ना चल जाए, वरना हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो पहला हुक्मरान था, उसने अपने अजायम और मंसूबों को बरमला लोगों के सामने इजहार किया था। उसने कहा था, मैं पाकिस्तान का हुक्मरान बना हूँ, मेरा दिल यह चाहता है मैं चांदी की एक कश्ती बनाऊं, सारे उलमा को इकट्ठा करूं, उस कश्ती में बिठाऊं और बिठा के उसको समंदर में भेज दूं, लहरें आए, वो कश्ती समंदर में डूब जाए, सारे के सारे मौलवी, सारे के सारे उलमा, ये दीनदार तबका खत्म हो जाए, पाकिस्तान में हमें ये लोग पसंद नहीं है। उसने इस बात का इजहार किया था, अल्लाह को उसके ये जुमले पसंद नहीं आए। सिकंदर मिर्जा उस वक्त का पाकिस्तान का हुक्मरान जरूर था, लेकिन जब उसने उलमा की मुखालफत की, उसने मदरसे की मुखालफत की, उसने दीनदारों के बारे में अपने इस तरह के नापाक अज़ाइम का इजहार किया, अल्लाह ने वो दिन दुनिया को दिखा दिया कि उसको पाकिस्तान के अंदर न मौत नसीब हुई, न पाकिस्तान में उसे कब्र नसीब हुई। नारा तकबीर, ताए तारे खत्मे नबुव्वत, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। उसके बाद इसी पाकिस्तान की सरजमीन पर शायद सिकंदर मिर्जा को मैंने और आपने नहीं देखा, उसके ख्यालात और उसके अजायम को हमने पढ़ा और सुना नहीं, अकाबरीन और बुजुर्गों की बातें और अखबारात की बातें हैं, लेकिन मैं आप हजरात को करीब जमाने की बात बताऊं। एक और हुक्मरान भी आया था जो पाकिस्तान के स्याह और सफेद का मालिक बन के बैठा हुआ था, सबसे ज्यादा कुव्वत और इकतदार और ताकत का नशा उसके अंदर था। वो जब बोलता था तो कहता था, मुक्के लहरा लहरा के लोगों के सामने गुफ्तगू करता था कि मैं तुम्हें ऐसी जगह से मारूंगा कि तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। जिसने लाल मस्जिद जैसी अजीम शान मस्जिद को मिलिया मेट कर दिया, तलबा और तालिबात जिनके ऊपर फास्ट फोर्स बम बरसाए, उनकी लाशों को उठवा के उन्होंने इस्लामाबाद के गंदे नाले के अंदर फिकवाने की कोशिश की, जब उसने दीनदारों के साथ ये हशर किया, वो तो अल्लाह की शाने करीमी है। अल्लाह हर दौर में हक वालों को बुलंद करता है, कुरान वालों को बुलंद करता है, जमाने को उनकी अजमत का इजहार दिखा दिया करता है। उनकी लाशें उठवा के गंदे नाले के अंदर फेंकी गई, लेकिन वहीं से कुरान पढ़ने
की आवाज लोगों ने खुद सुनी, जिनको जिस्मों को जख्मी किया गया, लहू लुहान किया गया, बमबारी की गई फास्फोरस बमों के साथ, जिनको बिल्कुल तह तह करने की कोशिश की गई थी, अल्लाह ने उन्हीं गाजियों की कब्रों से खुशबू को जारी करके दुनिया वालों पर उनकी हक और सदाकत को बयान कर दिया। ये कुरान की शान है। कुरान जहां भी रहता है ये अपनी अजमत को मनवा के रहता है, अपनी अजमत का लोहा मनवाता है, कभी भी बातिल इसके सामने ठहर नहीं सकता है। मैं बात कर रहा था खलीफा मामून की, बड़ा इलम दोस्त था, उलमा का कदरदान था, उलमा की ज्यारतें करता था, अपने दरबार और मजलिस में बुलाता था, मुनाजरे और मुबाहसे करवाता था, इलम की नशिस्तें मुनाकिद करता था। साल के बाद एक मरतबा जरूर उसके यहाँ महफिल का इंतजाम होता था। आप हजरात भी सालाना जलसा कायम करते हैं, तो खलीफा मामून ने एक मरतबा अपने दरबार के अंदर उलमा का एक जलसा मुनाकिद किया, और वो सिर्फ एक मजहब के उलमा नहीं थे, एक मसलक के उलमा नहीं थे, वो बादशाह और हुक्मरान था। उसकी सल्तनत में यहूदी भी रहते थे, उसकी हकूमत में ईसाई भी रहते थे, उसकी हकूमत में मजूसी भी रहते थे, वहां मुसलमान भी रहते थे। वो ये चाहता था इस्लाम का काम और इस्लाम का नाम, इस्लाम का पैगाम सब तक पहुंचे, इसलिए वो खुले आम अलल ऐलान दावत देता था कि मेरी मजलिस में जहां मुसलमान आएंगे, कुरान के आलम आएंगे, हदीस के आलम आएंगे, फिक्र इस्लामी को मानने वाले आएंगे, वहां यहूदियों को आने की इजाजत भी है, वहां ईसाइयों को आने की इजाजत भी है। यहूदी अपने उलमा को लाए, ईसाई अपने उलमा को लाए, मैं मुसलमान हूं, मैं अपने उलमा को लाऊंगा, मुबहसा करवाऊंगा, बातचीत करवाऊंगा, ताकि सब लोगों के सामने इस्लाम की हकानियत का इजहार हो जाए। इसी तरह की एक मजलिस का उसने इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ लोग जमा थे, मुख्तलिफ ख्याल और मुख्तलिफ मजाहिब के लोग जमा थे, उनके बड़े बड़े चोटी के उलमा जमा थे। बात हो रही है, हर बंदा अपने मजहब की बात कर रहा है, अपने मसलक की बात कर रहा है, अपने दीन की बात कर रहा है, हर एक ने अपने अपने नजरियात को पेश किया। जब वो सारा मामला खत्म हो गया, जलसा खत्म हो गया, मजलिस बर्खास्त हो गई, सारे के सारे लोग उठ के अपने घरों को जाने लगे, उन्हीं उलमा के मजमे में एक आदमी था, बड़ा जहीन फतीह, बहुत ही नौजवान, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाला। उस खलीफे ने उसको अपनी अलहदा दरबार में बुला लिया कि बाकी सबको जाने की इजाजत है, इनमें जो फुला आलिम है ना उसको थोड़ी देर के लिए मेरे पास बुलाओ, मैं उससे अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। कहते हैं कि जब उसको बुलाया गया ना, तो उसको बादशाह ने कहा, तू खूबसूरत भी बहुत है, तेरे चेहरे पे हशाशियत भी बहुत है, तू बात भी बड़ी अच्छी करता है, गुफ्तगू भी बड़े सलीके से करता है, बात समझाने का अंदाज भी तेरा बड़ा अच्छा है, गुफ्तगू का सलीका भी तुझे बहुत आता है। मैंने महसूस किया है जितने लोगों ने गुफ्तगू की है, अपने नजरियात को सबसे अच्छा अगर किसी ने बयान किया है तो वो तूने बयान किया है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि तू मुसलमान नहीं है, तो मुसलमानों का मुबल्लिग नहीं है, तो दीन का दाई नहीं है, तो तौहीद को बयान करने वाला नहीं है, तू तो किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है, यहूदी है या ईसाई है। अगर तू इस्लाम को कबूल कर लेना तो तू फिर सिर्फ इस्लाम का मुबल्लिग नहीं बनेगा, बहुत बड़ा आलिम दीन बन जाएगा, तेरा गुफ्तगू का तरीका बड़ा अच्छा है, काश के तू इस्लाम को कबूल कर ले। वो बादशाह था, उसने अपने मजहब के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक उसको इस्लाम की दावत दी, तबलीग की, लेकिन उसने आगे से जवाब दे दिया, बादशाह सलामत, आपका अदब एहतराम अपनी जगह पे, आपका तख्त आपकी कुर्सी अपनी जगह पे, लेकिन आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं अपना मजहब छोड़ दूं और आपके मजहब को इख्तियार करूं, मेरे अपने नजरियात अकायद हैं, मैं उसी पर पाबंद और कारबंद हूं, मैं इनको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। बादशाह ने कहा ठीक है, आपकी मर्जी, समझाना मेरा काम था, दावत देना मेरा काम था, वो मैंने दे दी, अगर आप नहीं कबूल करना चाहते आपकी मर्जी। कहते वो चला गया, आइंदा साल उसी तारीख को फिर दोबारा उसी तरह उलमा की मजलिस और लोग सारे के सारे इकट्ठे बादशाह की दरबार में सब आए, और आके हर एक ने अपना अपना मुद्दा बयान किया, अपने नजरियात को बयान किया। जब उस नौजवान की बारी आई ना, तो उसने तकरीर की, और उसकी वो तकरीर पहले साल की तकरीर से बिल्कुल मुख्तलिफ, उसके नजरियात पहले साल के नजरियात से बिल्कुल मुख्तलिफ, उसका मजहब पहले मजहब साल के मजहब से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा था। उसने तकरीर की तो उसमें फिकह इस्लामी की अहमियत को बयान किया कि इस्लाम में फिकह की अहमियत क्या है, फिकह के मसाइल क्या है, इसमें गहराई और गहराई कितनी है, इस
में लोगों के लिए हल क्या है, उसने इस पर बड़ी अच्छी और उमदा तकरीर की। सब ने सुनी, बड़े मुतासर हुए। मजलिस खत्म हुई, बादशाह वापस अपनी जगह पे जाके बैठा। उसने कहा उसी आदमी को बुलाओ। जब उसको बुलाया गया, उसे कहने लगा कि बात यह है कि पिछले साल आपने तकरीर की थी, आपके नजरियात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे, आपका मजहब बिल्कुल इससे अलहदा था, आपने बिल्कुल उलट मजहब पे तकरीर की है। ये तो सारा का सारा प्रोग्राम आपने इस्लाम का पेश किया है, इस्लाम के नजरियात को बयान किया है, आपकी शक्ल सूरत से, आपकी वजाहत से, आपके कपड़ों से, आपके बोलने के अंदाज से, आपके नजरियात के बयान से लगता यह है कि आप मुसलमान हो चुके हो। उसने कहा हाँ बादशाह सलामत, मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। बादशाह हैरान कि पिछले साल इसी जगह पर मैंने इसे इस्लाम की दावत दी, इसने बादशाह की बात को ठुकरा दिया, अपने नजरियात पर इतना पक्का था, एक साल के अंदर अंदर इसमें क्या हो गया कि इसने इस्लाम को कबूल कर लिया और इस्लाम का दाई और मुबल्लिग बन के आज उसी दरबार में खड़े होकर इस्लाम का प्रचार कर रहा है। उसने कहा बताओ तो सही मामला क्या है, कल मेरी बात को ठुकरा रहे थे, आज खुद इस्लाम के दाई बने बैठे हो, वजह क्या है? उसने कहा बादशाह सलामत, जब मैं यहाँ से गया ना, आपने मुझे इस्लाम की दावत दी, तो उस वक्त मेरे जहन में ख्याल आया कि देखना तो चाहिए, परखना तो चाहिए, जांचना तो चाहिए कि ये दुनिया के अंदर जो मजाहिब हैं इनमें से सबसे सच्चा सबसे हक मजहब कौन सा है, इस पर तहकीक करनी चाहिए, जस्तजू करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। तो उसने कहा मेरे दिल में एक ख्याल आया कि दुनिया में जो बड़े मजाहिब हैं जिनको आसमानी मजाहब कहा जाता है, वो इस वक्त दुनिया में रूए ज़मीन पर वो तीन हैं, या यहूदियत है, या ईसाइत है, या इस्लाम है। तीन मजहब हैं जो आसमानी मजहब हैं, आसमानी किताबों के हामिल हैं, उनकी दीन और शरीयत की फिर भी कुछ ना कुछ हदबदियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा दुनिया में जितने भी मजाहिब हैं वो कोई आसमानी मजहब नहीं, वो लोगों ने अपने बनाए हुए और अपने घड़े हुए हैं, ना हिंदुओं की कोई असल, ना सिखों की कोई असल, ना मजूसियों की कोई असल, ना इसी तरह लादीन और दहरिये जो है उनकी कोई असल और कोई हकीकत है, वो कोई आसमानी मजहब नहीं है, वो अपने तौर पर लोगों की अपनी इख्तरा और अपनी बनावट और इख्तरा है, उन्होंने अपने तौर पर बनाए। बड़े मजाहब दुनिया के अंदर जो हैं और जिनको आसमानी मजहब कहा जाता है वो तीन हैं, इन तीन में से कोई एक मजहब हक और सच होगा, तीनों हक और सच एक वक्त के अंदर नहीं हो सकते हैं, तो अब तीनों में से कौन सा मजहब सबसे सच्चा और सबसे हक मजहब है? मैंने इस पर तहकीक शुरू की, अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर एक बात डाल दी कि इनमें देखा कैसे जाए, इनको परखा कैसे जाए कि इनमें सबसे सच्चा मजहब कौन सा है। तो जिस तरह मैं बोलने में बड़ा अच्छा हूं, बात करने का मुझे बड़ा सलीका आता है, इसी तरह अल्लाह ने मुझे मलका यह दिया है कि मैं राइटर भी बड़ा अच्छा हूं, कातिब भी बड़ा अच्छा हूं, पेंटर भी बड़ा खूबसूरत हूं, अल्लाह ने मुझे लिखने का सलीका भी बहुत अच्छा दिया है, मेरी तहरीर बड़ी अच्छी है, लोग मेरी तहरीर को बड़ा पसंद करते हैं। कहते हैं कि जब मेरे दिल में ख्याल आया ना, तो मैंने कहा मैं अपने तौर पर एक अजमाइश करता हूं। सबसे पहले मैं यहूदियों की आबादी में गया, मैंने उनको कहा कि तुम्हारी कोई आसमानी कोई मजहबी किताब हो तो मुझे दो। उन्होंने मुझे किताब दिखाई जिसका नाम तौरात था। मैंने कहा एक नहीं दो नुस्खे लेना चाहता हूं। कहते उन्होंने मुझे दे दिए, मैंने वो लिए, वापस आ गया। फिर मैं ईसाइयों की आबादी में गया, मैंने कहा मैं ईसाई मजहब को पढ़ना चाहता हूं, तुम्हारी कोई आसमानी किताब है तो मुझे दो, मैंने उसका मुताला करना है। उन्होंने अपनी बाइबल और इंजील मेरे सामने रख दी, मैंने उसका नुस्खा लिया, वापस आ गया। फिर मैं मुसलमानों के इलाके में चला गया, किसी मस्जिद और मदरसे में गया, मैंने कहा मैं इस्लाम का मुताला करना चाहता हूं, तुम्हारी कोई मजहबी किताब हो तो मुझे दो। उन्होंने कहा हमारी सबसे बड़ी मजहबी किताब अगर कोई है तो वो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है। मैंने एक नुस्खा कुरान करीम का वहां से ले लिया, अपने घर के अंदर चला गया। उस जमाने में ये प्रेस नहीं होते थे, मशीनें नहीं होती थी, इन पर किताबें नहीं छपती थी, लोग अपने हाथों से किताबों के नुस्खे तैयार करते थे, लिखने के बाद बाजार में जाके उसको फरोख्त करते थे, लोग उनको लेके पढ़ के मुताला कर लिया करते थे। कहते हैं कि मैंने सबसे पहले तौरात को लिया, मैंने उस तौरात को लेके उसको लिखना शुरू किया, अव्वल से लेकर आखिर तक मैंने सारी तौरात लिखी, लेकिन ऐसे नहीं लिखी जैसी उस नुस्खे के अंदर लिखी हुई थी, मैंने उसमें तब्दीलियां कर दी, मैंने उसमें तहरीफ कर दी, कुछ अल्फाज को बढ़ा दिया, कुछ अल्फाज को कम कर दिया, और मैंने एक नहीं मैंने दो नुस्खे तैयार किए। मैं वो दो नुस्खे लेके यहूदियों की आबादी में पहुंचा, मैंने उनको कहा, उनके इबादत खाने में गया, उनका जो सबसे बड़ा पादरी था मैंने उससे मुलाकात की और मैंने कहा कि मैं एक गरीब सा आदमी हूं, मुझे लिखने का सलीका बड़ा अच्छा आता है, मैंने तुम्हारी आसमानी किताब जिसे तुम तौरात कहते हो उसको बड़े अच्छे अंदाज में खुश खती के साथ लिखा है, तुम अगर देखो और तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम मुझसे खरीद लो। कहती है कि वो जो ईसाइयों का पादरी था उसने
उसने किताब को लिया, लेने के बाद खोला, उसको देखा, लिखाई बड़ी अच्छी है, कागज बड़ा अच्छा है, रस्म खत बड़ा अच्छा है, फूल बूटे बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। उसने कहा ये तो आपने कमाल कर दिया, इतनी अच्छी किताब लिख के लाए हो, ये मुझे दे दो। मैंने कहा ऐसे नहीं दूंगा, इसका हदिया देना पड़ेगा, कोई ना कोई मुआवजा देना पड़ेगा। उसने कहा मांग क्या कीमत मांगता है, मैंने मुंह मांगी कीमत उससे तलब की, उसने मुझे वो दे दी। चुप करके नुस्खा अपने पास रखा, अलमारी के अंदर रख दिया। कहते मैं दूसरा नुस्खा तौरात के लेके यहूदियों की दूसरी बस्ती और गांव के अंदर चला गया, वहां उनका इबादत खाना था, बड़ा पादरी मौजूद था। मैंने उसको कहा कि मैंने तुम्हारी किताब तौरात लिखी है, तुम इसको खरीदना चाहोगे? उन्होंने देखा, कहा ये तो बड़ा अच्छा रस्मुल खत है, बड़ी अच्छी लिखाई है, मैं इसको जरूर लेना चाहूंगा। मैंने जो कीमत तलब की उसने मुझे कीमत दी, किताब को लिया, अपने सीने से लगाया, पेशानी पे रखा, अलमारी के अंदर रख दिया। मैंने कहा काम हो गया, मैंने दो नुस्खे तैयार किए थे, दोनों नुस्खे मैंने बेच दिए, फरोख कर दिए, उन्होंने इसको कबूल कर लिया। फिर मैं वापस आया, जो किताब ईसाइयों से लेके आया था, जिसे इंजील और बाइबल कहा जाता है, मैंने उसके भी दो नुस्खे तैयार किए, उसमें भी यही तरीका इख्तियार किया कि उसके अंदर कुछ इजाफा कर दिया, कुछ जगहों से कमी कर दी, तहरीफ और तब्दीली करके उसको बेहतरीन बना के खूबसूरत लिखा। लिखने के बाद एक नुस्खा उठा के ईसाइयों की एक आबादी में गया, उनके चर्च में गया, उनके बड़े पोप पादरी से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा मैंने तुम्हारी किताब को लिखा है, अगर तुम खरीदना चाहते हो खरीद लो, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। वो ईसाई पादरी ने उस किताब को देखा कि लिखाई बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत किताब है। उसने कहा कितनी कीमत लेना चाहते हो? मैंने जितनी कीमत बताई उसने किताब मुझसे खरीदी, कीमत मेरे हवाले की, बड़े अदब एहतराम के साथ अपने चर्च के अंदर उसने उस किताब को महफूज कर लिया। मैंने इंजील का दूसरा नुस्खा उठाया, ईसाइयों की दूसरी आबादी और दूसरे गाँव में गया, मैंने इसी तरीके से जाके वो किताब भी उनको बेच दी, उन्होंने बड़ी खुशी से इसको कबूल कर लिया। मैंने कहा मामला यहाँ भी हल हो गया। अब मैं वापस आया, अपने घर में बैठा मैंने मुसलमानों की किताब कुरान मजीद का नुस्खा उठाया, उसको लिखना शुरू किया। अब जब मैंने इसको लिखना शुरू किया ना, कुरान की तरतीब बड़ी अजीब है, इसकी आयतें बड़ी अजीब हैं, एक लफ्ज दूसरे लफ्ज के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, एक आयत दूसरी आयत के बिल्कुल मुनासिबत से चली जाती है। अब आयतों को खत्म करना, सूरतों को खत्म करना, सिपारों को हज़्फ करना, ये मेरे बस में नहीं था, मेरी ताकत में नहीं था। मैं आयतें नहीं उड़ा सका, मैं जुमले नहीं उड़ा सका, मैं रुकू नहीं खत्म कर सका, अपनी तरफ से कुछ बढ़ा नहीं सका। मैंने सिर्फ इतनी सी तब्दीली की कि कुछ जेर जबर पेश उनको उलट पुलट कर दिया, जहां जेर थी वहां जबर लगा दी, जहां एक नुक्ता था वहां दो लगा दिए, जहां दो नुक्ते थे तीन लगा दिए, जिसके ऊपर नुक्ते थे उनको नीचे कर दिया, जिनके नीचे थे उनको ऊपर कर दिया। इस तरह की थोड़ी सी तब्दीलियां मैं कर सका, मैंने कुरान में वो तब्दीलियां की, दो नुस्खे तैयार किए, दोनों नुस्खे उठाए, मैं मुसलमानों की आबादी में गया। मैं आपको समझाने के लिए अर्ज करूं, मुसलमानों के गांव में आया, आने के बाद उसने क्या देखा कि एक मस्जिद और मदरसे का दरवाजा है, छुट्टी का वक्त हो चुका है, छोटे छोटे तलबा अपने मदरसे से छुट्टी करके बाहर जा रहे हैं, 6 साल का एक छोटा सा बच्चा नजर आया। मैंने कहा बेटा जरा मेरी बात तो सुनो। उसने कहा बताओ क्या बात है? मैंने कहा देखो तुम जिस किताब को पढ़ते हो मैंने उसे बड़ा खूबसूरत करके लिखा है, मुझे पैसों की जरूरत है, अगर तुम्हें किताब चाहिए मुझसे खरीद लो, 4 पैसे मुझे दे दो, मेरा काम बन जाएगा। वो कहने लगे चाचा जी बात तो आप ठीक कर रहे हो, पहले मुझे दिखाओ तो सही आपकी किताब कैसी है। कहते उसने मुझसे कुरान का नुस्खा लिया, उसके वर्क उलटना शुरू किए, थोड़ी देर के बाद उसने वो किताब कुरान करीम मुझे वापस कर दिया। कहने लगा चाचा जी मैं इसे नहीं खरीद सकता, क्योंकि हमारे उस्ताद ने जो पढ़ाया है वो और कुरान है, और जो आप लेके आए हैं ये और कुरान है। नारे तकबीर, ये वो कुरान शाने रिसालत, शाने कुरान, अजमते कुरान, ये तो वो कुरान ही नहीं जो हमारे नबी पे उतरा हो। हमें तो हमारे उस्तादों ने पढ़ाते हुए बताया था कि बेटा जो हम पढ़ा रहे हैं ये आज की किताब नहीं है, ये 100 साल पहले नहीं लिखी गई, 2 सदियां पहले नहीं लिखी गई, बल्कि ये तो वो किताब है जिसका एक एक हरफ, एक एक जबर, एक एक जेर, एक एक पेश
एक एक नुक्ता उसी तरह महफूज है जिस तरह ये लोहे महफूज से आया था, आज तक उसी अंदाज में महफूज चला आ रहा है। आपकी ये किताब उस कुरान के मुताबिक नहीं है, मैं लेने के लिए तैयार नहीं। मुसलमानों के 6 साल के बच्चे ने वो नुस्खा मुझे वापस कर दिया। मैंने कहा यह मदरसे का दरवाजा है, यहाँ मेरी बात नहीं चल सकेगी। ये तलबा है, ये कुरान के मुहाफिज है, ये तो इस किताब को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मुझे मुसलमानों की उसी आबादी के अंदर उनकी एक मस्जिद नजर आई। लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, एक 80-90 साल का बूढ़ा वो भी लाठी को टेकते हुए मस्जिद से बाहर आ रहा था। कहते जब वो बाहर आया ना, मैंने कहा बुजुर्गों 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक काम है। उन्होंने कहा बेटा बताओ क्या बात है। मैंने कहा यह कुरान है जो मैं लिख के लेके आया हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, अगर आप मुझसे ये नुस्खा खरीद ले, खरीद के मस्जिद की अलमारी में रख दे, आपका काम भी बन जाएगा, मेरा काम भी बन जाएगा। वो बुजुर्ग जरूर थे, वो ज़ाइफ जरूर थे, लेकिन कुरान पढ़ा हुआ था। उन्होंने मुझसे कुरान लिया, लेने के बाद उसके वर्क लुटना शुरू किए। थोड़ी देर के बाद वो कुरान का नुस्खा मेरे हवाले कर दिया और करने के बाद कहने लगे बेटा ये किताब ले जाओ, ये वो कुरान नहीं है जो हमारे नबी पे उतरा हो, ये तू गड़बड़ करके लेके आया है, इसमें तो गलतियां हैं, इसमें तहरीफ है, इसमें तब्दीली है, हम इसको कबूल नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे वो नुस्खा वापस कर दिया। मैं समझ गया कि रुए जमीन पर अगर सबसे सच्चा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है, कि ये अपने मजहबी किताब के ऐसे मुहाफिज हैं कि इनके 6 साल का छोटा सा बच्चा भी इनके कुरान का मुहाफिज, इनके 90 साल का बूढ़ा भी इनके कुरान का मुहाफिज है। तो ये वो वाकया था जिसने मेरी जिंदगी की काया पलट दी, कि यहूदियों को जैसा भी दीन दे दो वो उसे कबूल कर लेंगे, ईसाइयों को जैसी भी किताब दे दो वो उसे कबूल कर लेंगे। दुनिया भर में वाहिद मजहब मजहब इस्लाम है जिसकी बुनियाद कुरान करीम है, अगर इसमें एक जेर जबर का फर्क भी होगा तो मुसलमान कभी उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। और मेरे दोस्तों इस कुरान की हिफाजत जो अल्लाह ने करवाई है तो इन मदारिस के उलमा से करवाई है, ये मदारिस दीनिया हैं जो इस कुरान की हिफाजत का जरिया बन रहे हैं। और याद रखिए ये मदरसे ये आज की पैदावार नहीं है, ये आज की पैदावार नहीं है, ये दौरे नबुव्वत से चले आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली वही जो गारे हिरा में नाजिल की, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, मदरसे की इब्तिदा वहां से हो गई। फिर ये मदरसा उस गारे हिरा से चलते हुए सफा पहाड़ी पर दारे अरकम में कायम हुआ, जिसमें लोग मुसलमान होते, मदरसे में दाखिल होते, इस्लाम कबूल करते, कलमा पढ़ते, कुरान पढ़ना शुरू कर देते। इसी मदरसे के अंदर 37 तलबा इस्लाम के कारी और हाफिज बनने के लिए बकायदा दाखिला ले चुके थे। 38वें नंबर पर हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए, इस दारे अरकम मदरसे के तालिब इल्म बने। जिस वक़्त हजरत हमजा ने बकायदा इस मदरसे में दाखिला लिया ना, तो उस वक़्त का कुफर वो सारा का सारा सर जोड़ के बैठ गया कि ये क्या हो गया। पहले तो गरीब के बच्चा पढ़ता था, पहले तो मिस्कीन पढ़ते थे, पहले तो गरीबों के बच्चे आते थे, गुलाम किस्म के लोग इस मजहब को कबूल करके इन मदरसों की जीनत बनते थे, अब तो हमजा जैसे जनरल बड़े बड़े लोग वो भी इस्लाम के दामन में दाखिल होके बकायदा मदरसे के तालिबे इल्म बन चुके हैं। उन्होंने कहा मदरसा बंद होना चाहिए, मदरसा चलेगा, इस्लाम चलेगा, मदरसा चलेगा, दीन चलेगा, मदरसा चलेगा, शरीयत चलेगी, मदरसा चलेगा, अकीदा चलेगा, मदरसा चलेगा, इबादत चलेगी, मदरसा चलेगा, मामलात चलेंगे, मदरसा चलेगा, अखलाक चलेगा, मदरसा चलेगा, किरदार चलेगा। क्यों? इसलिए कि इन सब चीजों की बुनियाद अगर कोई चीज है तो वह मदरसा है, वह कुरान का मरकज है। इस मदरसे ने मेरे अकीदे को महफूज रखा, इसी मदरसे ने मेरे दीन को महफूज रखा, इसी मदरसे ने मेरी शरीयत को महफूज रखा, इसी मदरसे ने मेरी फिका को महफूज रखा, इसी मदरसे ने कुरान के सारे उलूम को महफूज रखा, इसी मदरसे ने अखलाक की तालीम दी, किरदार की तालीम दी, बुनियादी चीज़ों की तालीम दी। अगर ये सारी की सारी चीज़ें आज महफूज शक्ल में मेरे और आपके पास सही सलामत मौजूद है तो ये मदरसे का एहसान है जो मदरसे ने कौम पर किया है। तो वो समझते थे अगर इस्लाम को रोकना चाहते हो, मजहब इस्लाम के सामने बंद बांधना चाहते हो, इस्लाम की तालीमात को कंट्रोल करना चाहते हो, ये दारे अरकम के मदरसे को ख़त्म कर दो,
यहाँ के तलबा को ख़त्म कर दो, मदरसा ख़त्म होगा, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, मदरसा ख़त्म होगा, कुरान ख़त्म हो जाएगा, मदरसा ख़त्म होगा, मुसलमान ख़त्म हो जाएगा, इनकी ज़िंदगी से दीन और मज़हब निकल जाएगा। इनकी बुनियाद अगर है तो वो मदरसा है। इसलिए इस्लाम के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो मदरसे के दुश्मन हैं। दारे अरकम में हज़रत हमजा का मुसलमान होके मदरसे में दाखिल होना था कि सारा कुफर सर जोड़ के बैठ गए, परेशान हो गए। मीटिंग की, मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा सबसे आसान हल तो यही है कि इस मदरसे का मुदीर, मोहतमे, मुअल्लिम जो भी है, जो इसका बड़ा है, चला रहा है, पढ़ाने वाला, उसको ख़त्म कर दो, उसको रास्ते से हटा दो, मदरसा खुद बहुत बंद हो जाए। आज ये मदरसा है ना, तो कुछ लोग सोचते होंगे ना कि ये तो मौलाना शाहिद साहब की मेहनत है, मुफ्ती ताहिर साहब की मेहनत है, इन हजरात की मेहनत है, अगर इनको रास्ते से हटा दो कौन इस मदरसे में आएगा, कौन इसको चलाएगा, कौन इसका निज़ाम संभालेगा। ये तो इन हजरात की मेहनत है ना। पहले जामे सिद्दीक अकबर बनाया, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद कायम कर दी, फिर दूसरा मदरसा, तीसरा, फिर मियाँ चन्नू शहर में चौथा मदरसा। ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं। मदरसा ख़त्म करना है, इनको ख़त्म कर दो। मुदीर नहीं होगा, मोहतमिम नहीं होगा, मुअल्लिम नहीं होगा, पढ़ाने वाला नहीं होगा, मुरब्बी नहीं होगा, तो मदरसा कैसे चलेगा। असल मदरसा तो नाम ही इसी चीज़ का है ना। तो उन्होंने कहा सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, मुसलमानों के मुअल्लिम और मुरब्बी और मुशफिक और मोहसिन उम्मत हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। ना हुजूर होंगे, ना कुरान होगा, ना मदरसा बाकी रहेगा। अच्छा ये काम करेगा कौन? उन्होंने कहा हज़रत उमर के ज़िम्मे लगाओ, उमर के ज़िम्मे लगाओ, ये बड़ा जरी है, बड़ा बहादुर है, ये काम और कोई नहीं कर सकता, उमर करेगा। उमर खड़े होकर तलवार लेके, हाँ ठीक है, तुमने मेरे पर एतमाद किया है तो मैं तुम्हें ये काम करके दिखाऊंगा। अब रात को मशवरा हुआ, मजलिस हुई, मीटिंग हुई, और उसके बाद सुबह उमर तलवार हाथ में लेके निकले जा रहे हैं। रास्ते में एक साहबी से मुलाकात होगी, जो मुसलमान तो हो चुके थे लेकिन मसलियतन उन्होंने अपने ईमान और इस्लाम को छुपाया हुआ था। उनकी मुलाकात हुई, उमर को देखा, अंदाज़ देखा, तेवर देखे, समझ गया कि आज कोई ख़तरनाक मामला है। उमर जैसा जरी आदमी, बहादुर आदमी इस अंदाज में जा रहा है, किसी मुसलमान की खैर नहीं होगी। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? उमर कहने लगे मुसलमानों के नबी को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। ये क्या रोज़ाना रोज़ाना का प्रोपेगेंडा है? ये कुरान की तालीम कहीं कभी कहीं खड़े होकर सुनाना शुरू कर देते हैं, कभी कहीं खड़े होकर सुनाना शुरू कर देते हैं, मैं मामले ख़त्म करना चाहता हूँ। वो साहब भी समझ गए, उन्होंने कहा बात तो बड़ी आगे तक बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा उमर वहाँ बाद में जाना, पहले अपने जाके घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई भी उसी मदरसे के तालिब इल्म बन चुके हैं, वो भी उसी मदरसे के दाखला अंदर दाखला ले चुके हैं। हज़रत उमर वो तो जलाल में थे, उसने कहा अच्छा मेरे घर तक ये बात पहुँच चुकी है, पहले उनकी खबर लो। अपनी बहन फातिमा बिनते खताब के दरवाजे पर पहुँचे, अल्लाह की शान बयाईं नहीं, वो वक्त था कि एक सहाबी रसूल उनको, मियाँ बीवी को कुरान करीम पढ़ाने के लिए अंदर मौजूद थे। कुरान का छोटा सा नुस्खा उनके पास जिस पे चंद आयात लिखी हुई थी, और वो बैठे उनको कुरान पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर दरवाजे पे आए, ज़ोर ज़ोर से दस्तक देना शुरू की, आवाज़ निकालने शुरू की, तो थोड़ी देर के बाद अंदर समझ गए कि ये तो भाई उमर आ गया है, और इसके अंदाज और तेवर भी बड़े बदले बदले लग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि खैर ना। उन्होंने उस सहाबी जो मुअल्लिम और पढ़ाने वाले उस्ताद थे, हिफाजत के पेशे नज़र उनको अंदर छुपा दिया। बहन और बहनोई दरवाजे पर आए और उन्होंने आके दरवाजे को खोला, पूछने लगे क्या कर रहे थे? तो समझ तो गए कि इन्होंने हमारी आवाज़ तो सुन ली है, पता तो इनको चली क्या होगा, इतने गुस्से में जो आए हैं। तो बहन आगे बढ़ के कहने लगी उमर क्या चाहते हो, हम तो मुसलमान हो चुके हैं। और सिर्फ मुसलमान नहीं हुई, बहन कहने लगी मैं तो मदरसतुल बनात में दाखिला भी ले चुकी हूँ, मैं सिर्फ मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो मदरसे की बाकायदा तालिबिल में बन चुकी हूँ, मदरसतुल बनात में दाखिला भी ले चुकी हूँ, तू जो कर सकता कर ले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, एक उमर थे, कहते हैं कि जिस वक्त हज़रत उमर ने ये सुना ना, तो गुस्से के अंदर इतना आए, ज़ोर से अपने बहनोई को थप्पड़ मारने की कोशिश की। बहन फातिमा बिनते खताब जल्दी से आगे बढ़ी, अपने खामंद को बचाने की कोशिश में खामंद को पीछे किया, खुद आगे आई। वो थप्पड़ जो उमर का था, आगे बढ़ रहा था, वो बहन के चेहरे पर लगा, इतना ज़ोरदार थप्पड़ था कि फातिमा बिनते खताब ज़मीन पर गिरती हैं और उनका चेहरा लहूलुहान हो जाता है। हज़रत फातिमा भी तो बहन किसकी थी, बेटी किसकी थी, उसकी रगों में भी तो उसी बाप का खून था जिसकी रगों में उमर का खून दौड़ रहा था, उमर की रगों में जिसका खून दौड़ रहा था। कहते हैं कि जिस वक्त वो खड़ी हुई ना, तो उसने पूरे जौबन के साथ कहा उमर तू भी उसी बाप का बेटा, मैं भी उसी बाप की बेटी, तू कुफर में पक्का, मैं इस्लाम में पक्की, तू जो कर सकता है कर ले, लेकिन हमारे दिनों से इस्लाम की मोहब्बत को नहीं निकाल सकता है। कहते हैं कि हजरत उमर के दिल पर जो है ये जुमले असर कर गए, और ऐसा असर हुआ, ऐसा असर हुआ। उमर कहने लगे बताओ तो सही करते क्या हो, दिखाओ तो सही, सुनाओ तो सही, पढ़ते क्या हो। बहन ने कुरान के आदाब बताए, हज़रत उमर गए, जाके पाक साफ होके आए, अच्छे कपड़े पहन के आए, आके बैठे,
वो सहाबी जो अंदर छुपे हुए थे वो भी बाहर के निकल के आ गए। सूरह ताहा की आयात उतर चुकी थी, सबक चल रहा था। हज़रत उमर को वहीं से उन्होंने सुनाना शुरू किया जहाँ से सबक चल रहा था। हज़रत उमर के कानों में पहला जुमला जो कुरान का पड़ा, एक ही आयत थी जो उन्होंने सुनी, इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी व अकीमिस सलात लिज़िक्री, अल्लाह का तआरुफ़, अल्लाह का कलाम हज़रत उमर के कानों में पड़ा। कानों से दिल की दुनिया बदल गई और दिल पर असर हुआ। हज़रत उमर कहने लगे, इतना आलीशान कलाम, इतना अजीम शान कलाम, मैं आज तक इससे गाफिल रहा, मैंने इसको सुना ही नहीं, इसको पढ़ा ही नहीं, इसको समझा ही नहीं, मुझे भी अपने नबी के पास ले चलो, मैं भी कलमा पढ़ के इस्लाम के दामन में दाखिल होना चाहता हूँ। हज़रत उमर वहाँ से चले, दारे अरकम में मदरसे का दरवाज़ा बंद, अंदर सहाबा मौजूद, हुजूर मौजूद, हज़रत हमजा मौजूद। हज़रत उमर उसी हालत में चलते हुए आए, उन्होंने आके दरवाजे पर दस्तक दी। एक सहाबी ने थोड़े से सुराख से देखा, हज़रत उमर दरवाजे पर खड़े हैं, वो घबरा गए, परेशान हो गए कि उमर आए हैं, पता नहीं किस इरादे और नीयत से आए होंगे। हज़रत हमजा मौजूद थे, वो इस्लाम के बहुत बड़े जर्नैल थे, वो खड़े होकर दरवाजे पे आए कि अगर अच्छे इरादे से आया होगा आगे बढ़ के इस्तकबाल करूंगा, अगर बुरी नीयत से आएगा उसी की तलवार से उसका सत्कर्म कर दूंगा। हज़रत हमजा ने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोला, अपनी निगाहों को उमर के चेहरे पर डाला, हज़रत उमर ने फौरन अपनी निगाहों को झुका लिया। हज़रत हमजा समझ गए कि आज इसकी अकड़ ख़त्म हो चुकी है, तकब्बुर ख़त्म हो चुका है, किसी बुरी नीयत और इरादे से नहीं आया। हज़रत हमजा ने रास्ता छोड़ दिया, जैसे ही रास्ता छोड़ा हज़रत उमर सर को झुकाए हुए महबूब पैगंबर के कदमों में आए, महबूब पैगंबर के कदमों में आके कहने लगे, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, जिस तरह इन लोगों को इस्लाम का कलमा पढ़ा के इस्लाम के दामन में दाखिल करके अपने मदरसे का तालिब इल्म बना दिया है, कुरान इनके सीनों में उतारना शुरू कर दिया है, मैं भी आपका गुलाम बनने के लिए उमर आया हूँ, मुझे भी इस्लाम का कलमा पढ़ा के मुसलमानों में दाखिल करके अपने मदरसे का तालिब इल्म बना लीजिए। हज़रत उमर के ये कहने की देर थी, सहाबा खुशी से झूम उठे, सहाबा ने अल्लाह के नाम का कलमा बुलंद किया। ये पहला मौका था जब इस्लाम की तारीख में सहाबा ने नारा तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद किया। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम और मदरसे की तारीख वहाँ से चली आ रही है, और ये फिर मदरसा दारे अरकम से सूफा में मुंतकिल हुआ। सूफा वो बुनियादी मदरसा है जहाँ बकायदा मुसाफिर तलबा के लिए इंतज़ाम था, उनको रिहाइश भी दी जाती थी, उन्हें खाना भी दिया जाता था, उनके तालीम और तालम का इंतज़ाम भी किया जाता था। आज ये जितने मदारस आपके इलाके के अंदर मौजूद हैं ये आज की पैदावार नहीं है, ये असल के अतबार से उस सूफा के मदरसे की वो शाखें हैं जो अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने मदीना मुनवरा में मस्जिद नबी के साथ बिल्कुल कायम किया था, जिसमें मुसाफिर तलबा के पढ़ने और पढ़ाने का इंतजाम किया था। एक एक वक्त में उस मदरसे के अंदर 70-70 और 80-80 तलबा हुजूर अली सलाम से कुरान और हदीस को पढ़ा करते थे और उलूम नबूवत को अपने सीने में बसाया करते थे। जहां जहां इस्लाम पहुंचा है वहां वहां मदरसा पहुंचा है। तो ये आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने आपके इस छोटे से गाँव के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन चार मदरसे कायम कर दिए। तो अल्लाह के इस एहसान को एहसान समझें, इन मदरसों की कदर करें। जब तक ये मदरसे रहेंगे इंशाअल्लाह दीन और दीन की सारी ज़रूरियात पूरी होती रहेंगी। मदरसे का तआवुन जारी रखेंगे ना भाई? तआवुन सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसा दें, माल दें, तआवुन की सबसे बड़ी सूरत यह है कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इन मदरसों की जीनत बनाएं, कुरान का हाफिज बनाएं, कारी बनाएं, हाफिज़ा बनाएं, कारिया बनाएं, आलिमा बनाएं, और अपने बच्चों को इस काम में और इस मेहनत में लगाएं। यकीनन अल्लाह ने जो इज़्ज़तें कुरान को दी हैं, कुरान की नस्बत से कुरान वालों को भी अल्लाह ने वही इज़्ज़तें अता फरमाई हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।